हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा गुरु पॉप कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड दो वर्षीय पाठ्यक्रम है, हम उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में हम जिस पेपर का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर। सो गाइस, हमारा इस पेपर के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा है वह है किशोरावस्था। हमने इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिकों पर वीडियो बनाई है, सो आप उन्हें देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है किशोरों की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। किशोरों में कौन कौन सी समस्याएं सामने आती है, हम अपनी आज की इस वीडियो में उसी पर अध्ययन करेंगे। किशोर को तनाव और तूफान की अवस्था माना जाता है, यानी कि जब बालक किशोरावस्था में कदम रख लेता है तो उसके अंदर तनाव आ जाता है, तूफान उभरने लगता है, संघर्ष की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था को जीवन की सबसे कठिन अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि जो किशोरावस्था है वह जीवन की सबसे कठिन अवस्था कहा जाता है या मानी जाती है। यही वह अवस्था है जब किशोर न तो बालक रहता है और न पूर्ण प्रौढ़ बनता है, यानी कि 12 से 18 वर्ष की एक ऐसी अवस्था है, उस अवस्था में आने के बाद बालक न तो बालक ही रह पाता है क्योंकि वह बालक वाले गुण सारे से धीरे धीरे भूल जाता है और ना ही प्रौढ़ बन होता है। यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है, इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालकों के या बालिकाओं के अंदर बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शारीरिक संबंधी परिवर्तन होते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, उनके जो भार संबंधी परिवर्तन होते हैं उनके वजन बढ़ता है, और मोस्टली लड़कियों में अधिक प्रॉब्लम सामने आती है क्योंकि उनके जो शरीर है वह कई प्रकार से बढ़ता है। इसी अवस्था में आने के बाद लड़कों के दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो जाती है। किशोर बालक बालिकाओं में अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, उनके संवेदनात्मक सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है, यानी कि वह बालक बाल्यावस्था में जिस प्रकार के नैतिक और सामाजिक जीवन होता है वह बिल्कुल चेंज हो जाता है, वह उस चीज को छोड़ चुके होते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताओं पर लोप होने लगता है, जो बाल्यावस्था में विशेषता होती है वह मोस्टली खत्म हो जाती है और नई विशेषताओं का जन्म होने लगता है। यही वह अवस्था है जिसमें उनमें अदम्य उत्साह और अपूर्व शक्ति होती है, यानी कि इस अवस्था में आने के बाद बालक और बालिकाओं में बहुत उत्साह देखने को मिलता है, वह किसी भी कार्य को कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसको वह मना कर दे। इसमें वे अपना अधिकतम विकास भी कर सकते हैं और अपना सर्वज्ञ गवा भी सकते हैं, यानी कि यही एक अवस्था है जिसके अंदर अगर वह सही रास्ते पर जाए, यानी कि सही गाइडेंस मिले तो उसका विकास हो सकता है, और अगर वह गलत आदतों में गलत संगतों के अंदर पड़ जाए इस अवस्था में आने के बाद तो वह अपना सब कुछ यानी कि गवा सकता है, खो सकता है। किशोरावस्था को समस्याओं की आयु या समस्याओं की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद किशोरों और किशोरियों के अंदर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जिन समस्याओं से वह दिन प्रतिदिन जूझते रहते हैं क्योंकि इस अवस्था में जहां स्वयं किशोर बालिक बालिकाएं अपने परिवार विद्यालय स्वास्थ्य व्यवसाय मनोरंजन भविष्य योग आदि से संबंधित समस्याओं से जूझते रहते हैं, इस प्रकार की समस्याएं उनके सामने दिन प्रतिदिन आती रहती है जिनसे कि वह
जूझते रहते हैं, यानी कि लड़ते रहते हैं। वहीं माता पिता संरक्षण अध्यापक समाज और राष्ट्र के लिए भी वे एक समस्या होते हैं, यानी कि बालकों की जो माता पिता है उनके लिए भी वह समस्या होती है, राष्ट्र के लिए भी समस्या होती है, क्योंकि अगर वह सही कार्य न करे और गंदी आदतों में पड़ जाए तो वह एक समस्या प्रॉब्लम बन जाती है। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें से कुछ समस्याएं निम्न प्रकार है। नंबर एक है स्वतंत्रता की समस्या। कौन सा? दूसरा पॉइंट है स्थिरता की समस्या। यह भी
जो किशोरावस्था होती है, किशोर बालक बालिकाओं में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार शिशु की मन स्थिति स्थिर नहीं होती, उसी प्रकार किशोर बालक बालिकाओं की भी जो मन की स्थिति है स्थिर नहीं होती। यानी कि जैसे किशोर शिशु होते हैं कि एक खिलौने को छोड़ दिया और दूसरा उठा लिया, यानी कि उनकी जो क्या है मन की स्थिति एक जगह स्थिर नहीं होती, नहीं टिक पाती, वह इधर उधर चंचलता दिखाते रहते हैं। इसी प्रकार जो किशोर किशोरिया होते हैं, यानी किशोरावस्था में आने के बाद बालक बालिकाओं की जो मन की स्थिति होती है वह भी स्थिर नहीं होती, कभी कुछ और कभी कुछ वह भी सोचते ही रहते हैं। उसी प्रकार उनका व्यवहार बहुत ही परिवर्तनशील होता है, यानी कि किशोर किशोरियों का जैसा ही व्यवहार होता है वह भी परिवर्तनशील होता है। आज वह ये मान लीजिए कि एक ड्रेस उन्होंने पहनी सुबह से शाम तक के लिए, लेकिन अगर उनको जरा सा भी उसमें ये लगा कि ये गलती है तो उनका मन एकदम से बदल जाएगा और वह दूसरे वस्त्र धारण कर देंगे। हमारे राज महोदय है वह कहते हैं कि किशोरावस्था को सहसा अवस्था का पुनर्वर्तन कहा है, यानी कि राज महोदय ने जो किशोरावस्था है उसको जो सहसा अवस्था है उसका पुनर्वर्तन कहा है, यानी कि उसी का बदला हुआ रूप माना है। शिशुओं की तरह ही किशोर भी बहुत चंचल होते हैं, उन्हें यह भ्रांति होती है कि वह दूसरे व्यक्तियों के आकर्षण के केंद्र है, यानी कि हर समय यही उन्हें लगा रहता है कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं और हम दूसरे व्यक्ति हमें बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बस हमें ही देखते रहते हैं। किशोर अवस्था में आने के बाद बालक बालिकाएं अपने आप को बहुत ही सुंदर समझते हैं, यानी कि हर समय आईने के सामने नजर आते हैं, मिरर के सामने खड़े रहते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं। जो लड़कियां होती है वह भी बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती हैं और मेकअप के एक से यानी कि सामान प्रयोग में लाते हैं जिससे कि वह अपने आप को सुंदर दिखा सके और उनके अंदर एक यही वहम बन जाता है कि वह दूसरों के आकर्षण के केंद्र है। विरोधी मनोभाव की समस्या।
किशोर अवस्था में किशोर बालक बालिकाओं में विरोधी मनोभाव चरम सीमा पर होते हैं। किसी क्षण में वे बहुत ही सक्रिय दिखाई देते हैं और किसी क्षण में वे बहुत ही निष्क्रिय दिखाई देते हैं, आलसी दिखाई देते हैं। ये मान लीजिए कि कहीं किसी साथ परिवार के सदस्यों ने बालक या बालिका को यह कहा कि चलो आज हम कहीं बाजार में घूमने के लिए जाएंगे, तो एक क्षण को वह बहुत सक्रिय हो जाएंगे, उत्साह से एकदम उछल पड़ेंगे कि हम चल रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, और दूसरे ही क्षण उनके अंदर निराशा से नजर आ जाएगी और निष्क्रियता नजर आएगी। वह कहेगी कि हमें नहीं जाना, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारी तबीयत खराब है, कुछ भी है, इस तरीके के काम बताने लगते हैं। हमारे बी एम झा महोदय हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, वह कहते हैं हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोधाभास है, परंतु किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। यानी कि हमारे जो बी एम झा महोदय है वह अपनी डेफिनेशन में किशोरावस्था के विरोधाभास के लिए कहते हैं कि जितने भी मानव है उन सभी के अंदर कुछ विरोधाभास है, यानी कि ये नहीं कि कोई इन विरोधाभासों के बिना हो, यानी कि सभी में कुछ ना कुछ विरोधाभास होते हैं, लेकिन जो किशोरावस्था होती है उसमें किशोर और किशोरियों में ये विरोधाभास की समस्या हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्वत जिज्ञासा की समस्या। किशोरावस्था के उत्तरार्ध में जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है। जब किशोर बालक बालिकाएं पूर्ण जीवन व्यापक ज्ञान की खोज में लग जाते हैं, इस अवस्था में उन्हें नए नए परिवर्तन उनकी जिज्ञासा को उद्दीप्त करते हैं। यानी कि जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है और वह पूर्णावस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तो उनके जीवन में नई नई खोजों के लिए प्रश्न उठने लगते हैं। यानी कि जो वह प्रश्न उठते हैं अगर उनका उनको आंसर ना मिल पाए तो क्या होगा, वह परेशान हो जाते हैं और यह भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। विपरीत लिंग के लोगों के संबंध में उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। यानी कि जो लड़के होते हैं वे लड़कियों के बारे में पूछते रहते हैं, किसके बाल लंबे क्यों होते हैं, क्यों मेरे बाल छोटे क्यों है, यह इतनी बारीक सी क्यों है, यह ऐसे क्यों बोलती है, इस तरह की कुछ जिज्ञासाएं यानी कि आपस में विपरीत लिंग के लोगों में बढ़ी यानी कि देखने को मिलती है। लड़कियां लड़कों के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, और लड़के लड़कियों के प्रति। अगर सही समय रहते इन बालक बालिकाओं की जिज्ञासा शांत ना की जाए तो यह उनके लिए एक समस्या बन जाती है। वह इस प्रकार से यानी कि एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें उनसे प्राप्त जो आंसर मिलते हैं, उत्तर मिलते हैं, उनमें उन्हें आनंद मिलता है और रुचि का अनुभव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आत्मगौरव की समस्या। किशोरावस्था में आत्मगौरव की भावना का विकास होता है, जिसका प्रमुख कारण उनके अंदर नवीन दृष्टिकोण को विकसित होना है। वे जहां भी होते हैं अपने सम्मान चाहते हैं, परिवार में, विद्यालय में, समूह में,
समाज में, पास पड़ोस में या रिश्तेदारी में जहां कहीं भी जाएंगे वह क्या करेंगे, वह केवल अपना सम्मान चाहते हैं, वह ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ नाम हो, हमें भी पहचाने। उनके सम्मान को अगर जरा सी भी ठेस पहुंच जाती है तो वह संघर्ष करने लगते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं। कक्षा में मॉनिटर, खेतों में खेलों में कप्तान, साहित्य का और सांस्कृतिक परिषदों में कार्यक्रमों में वे कोई ना कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जितने भी इस प्रकार के कार्य होते हैं उन सभी में वह किसी ना किसी पद पर कार्य करना चाहते हैं और पद लेना चाहते हैं, जिससे उनकी आत्मगौरव की भावना की संतुष्टि हो सके। ऐसा न होने पर वे संघर्ष और विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए किशोरों को अच्छा उचित साथ दिया जाना चाहिए। ये बात सही है कि माता पिता को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बालक हैं वह क्या चाहते हैं, आत्मगौरव चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं। ये नहीं कि किसी के बालक ने कोई छोटी मोटी सी गलती की और उसको उसी के दोस्तों के बीच में डांट दिया, धमका दिया या पिटाई कर दी, तो इससे क्या होगा, उसके एकदम से बेइज्जती हो जाएगी और वह ये समझेगा कि इन्होंने मेरे आत्मगौरव पर प्रहार किया है और वह विद्रोह पर उतारू हो जाएगा और लड़ने लगेगा, संघर्ष करने लगेगा। इसीलिए ये आत्मगौरव की जो समस्या है किशोरों के लिए यह भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सो गाइस, हमारा ये टॉपिक यहीं तक ही था। हम अभी जो किशोरों की समस्याएं हैं उसके